रात होते ही शुरू होती है इंसानों की एक नई दुनिया। राकेश सांचेती के लिए वो रात बहुत लंबी होने वाली थी, और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट उसे ले जाती है गुमनामी की दुनिया में। सलोनी, जिसकी खुशबू प्यार की खुशबू थी या फिर खतरे की आहट, रहस्यों के पर्दाफाश होने का खतरा, यह जानते हुए कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, राकेश अपने भरोसेमंद सहयोगी के पास जाता है। और जैसा कि कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो दोनों मदद की तलाश में पहुंच जाते हैं एक भयानक जगह। दरवाजे के खुलते ही राकेश की जिंदगी बदलने वाली थी। अंधेरे की परछाई या खुद अंधेरा, लेकिन राकेश के लिए द प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसे सब इनकॉग्निटो कहते हैं। कहते हैं सपने आपको वो सच दिखाते हैं जो आप जागती आंखों से कभी नहीं देख सकते। सलोनी के सपने भी दर्द और पीड़ा से भरे हुए थे, वह दर्द जिसका वो फिर कभी सामना नहीं करना चाहेगी। अंधेरे के भगवान को जो चाहिए वो मिल गया था, और अब बारी थी एक योजना की। डर, जो कि हमेशा से उसका सबसे बड़ा हथियार रहा है, राकेश ये समझता है कि उसकी सभी समस्याएं हल हो गई। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। ये राहत भरी रात उसे काफी दिनों बाद नसीब हुई थी। गोलियों की आवाज से इनकॉग्निटो का घर गूंज उठता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अंधेरे का भगवान मर चुका है। राकेश को यकीन था कि वह शैतान की पीठ में छुरा घूम चुका है, लेकिन तभी अंधेरे का भगवान वहां आ जाता है, और उसके लिए विश्वासघात को भूलना नामुमकिन था। खून की नदियां बहना तय था। वो अपने आपे से बाहर जा चुका था, और इसलिए बेगुनाहों का भी खून बह जाता है। क्या है जो रात भी डरते हुए उसका नाम लेती है? इनकॉग्निटो। आखिर इनकॉग्निटो है कौन? एक इंसान, एक शैतान, या दोनों ही? क्या अंधेरे का भगवान मर सकता है? देखेंगे इनकॉग्निटो 2 बिटर मून में। अभी ऑर्डर करें।